आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। पता नहीं सूरज जी, जब से लीगल नोटिस आया है तब से वहीद बहुत परेशान लग रहे। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है संध्या जी। आपने देखा नहीं था कैसे मोहित के चेहरे का रंग उड़ गया था? मैं तो सोच रहा हूँ कि जब कुछ गलत किया ही नहीं तो डर किस बात का। हम मोहित से बात करेंगे संध्या जी। बिल्कुल देववाणी है वो। अब ये लड़की ने हमारी मोहित पर जो गंदे इल्जाम लगाया है तो ठीक है, हमारे मोहित की डीएनए टेस्ट हो जाएगी और सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, वो लड़की झूठी पड़ जाएगी, सारा झंझट खत्म। उल्टा हमें तो खुश होना चाहिए सच को। लगता है संतोष कोरट की नोटिस से परेशान हो गई, कुछ करना पड़ेगा। संतोष, इस बार मने लग रहा है कि होली की रौनक थोड़ी फीकी पड़ गई थारे राज में। अब तक वो हरे लाड़ू के थाल तो बाहर आए नहीं। अरे बनाया है भी या नहीं है? मैं मारे लिए कोड़ी बोल रहा हूँ संतोष, टावरों के लिए बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी खाता हूँ। बाबा साहब, ऐसा भी कभी हो सकता है कि त्योहार का दिन हो और भाभू लाडू ना बनाए? ये लीजिए बढ़िया से लाडू। मैं लेता हूँ टावर। बच्चे चोखे बने संतोष। मोहित सा, आप भी लीजिए। आप भी लीजिए भाभू। भाभी चलो, अब सब लोग जल्दी जल्दी काम निपटा लो। रे होली खेलने वाले आते देर ना लगेगी, फिर सारा काम रह जाएगा। चलो बाबू, बाना ना सबसे पसंदीदार ना त्योहार है होली। कैसे मुंह पर रंग लगा के लाल पीला और खूब घूमो खूब नाचे, मुझे तो बड़ा अच्छा लगे है। ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है, अब की बार तो होली ना खेलेगी। मारुषी की गलती हो गई बाबा, मैं क्यों ना खेलूंगी? समझिए मेरे पेट से हूँ ना। रे तू होली भले ही ना खेल सके पर होली देखने में जितना मजो आवे ना, तू नहीं जाने अब की बार मैं भी थारे साथ बैठूंगी। चल तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आराम से। हम्म,
मोहित बुरा मत मानिएगा, पर अगर एमली के लगाए हुए इल्जाम में जरा से भी सच्चाई है तो प्लीज बता दीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं आपकी मदद करूंगी, मैं खुद भाभू से बात करूंगी, समझाऊंगी उन्हें। अभी आप बात समझ क्यों नहीं रही? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, एमिली झूठ बोल रही है, ऐसा कोई रिश्ता रहा ही नहीं है मेरे और एमिली के बीच में। और हाँ, ये सच्चाई डीएनए टेस्ट से सामने आई जाएगी, तैयार हूं मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए। हमारे घर के बिना अलग ही रामायण है, रोज नई पंचायती होती है। अभी वो बाबा वाला कांड खत्म हुआ कि अब वो मोहित भैया की वो डीएनए की बात शुरू हो गई। जी ओ शांत होगी तू? हैं, पहले मोहित के मामले को लेके सरदर्द हो रहा है, ऊपर से तू सर खा रही है। संतरा खाएंगे जी? मार खाइए। ए जी, आज तो वो अस्पताल वाले आने वाले है ना मोहित भैया का वो डीएनए करने के लिए। हाँ तो? तो मैं कह रही थी कि लगे हाथों ना आप भी जांच करा ही लो। हाँ। ये बोल रही तू? हैं? सोच समझ के बोल लिया कर तू? पर मारे जैसे देवता समान पति पे शक कर रही हो तुम? शर्म नहीं आती तुझे? नहीं, ये वाला शक को नहीं, दूसरा वाला शक जी। मारे को कभी कभी लगता है अपना भावों की सौतेली संतान हो, सगी कोनी, क्योंकि भावो अपना सारा लाड प्यार तो जेठ जी पे ही लुटाती है ना। मारे लिए, मारे मन की तसल्ली के लिए एक बार टेस्ट करा ही लो, हैं? सस्ते में भी अभी हो जाएगा कि चल ली है, नाटक चल रहा है कोई? ये भी जो डीएनए होता है ना, डीएनए कोर्ट के हुक्म से होता है ये डीएनए, और जितनी भी सच्चाई होती ना यूं निकाल लेते हैं लोग। साची जी, अगर वो अमली की बात सच हो गई और मोहित भैया ही वो, फिर क्या होगा जी? तो फिर क्या होगा? दरवाजे पे ले जाएगी भावो मोहित को, घुमाएगी, लात मार के घर से बाहर निकाल देगी, ऊपर से मैं और सूरज भैया दोनों मारेंगे अलग। अच्छा है, पर दो ही लोगों में बंटवारा होगा घर का जी। अरे भैयो, चोरा बच्चा नहीं है घर का, वो अच्छा बच्चा है। मोहित ऐसा कुछ नहीं कर सकता, बाबू से इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा वो। भगवान करे जी आपकी बात सच हो। इसी बात पे संतरा खाएंगे? हाँ। ये लीजिए। ए जी, थैंक यू कौन बोलेगा? थैंक यू। चल। अरे नरेश भाई साहब, आपको होली की बधाई हो। कृष्णा जी, आपको और आपके परिवार को भी, और गुड्डू जी को भी बोल देना। हाँ। भैया मुझे भी 2 किलो भांग वाले लड्डू दे। नहीं सूरज जी, जब से लीगल नोटिस आया है तब से मोहित बहुत परेशान लग रहे। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है संध्या जी। आपने देखा नहीं था कैसे मोहित के चेहरे का रंग उड़ गया था? मैं तो सोच रहा हूँ कि जब कुछ गलत किया ही नहीं तो डर किस बात का। हम मोहित से बात करेंगे संध्या जी। मैं बात कर चुकी हूँ सूरज जी, उन्होंने तो कहा कि लीगल नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता नहीं
फिर क्यों वो इतना परेशान है? सूरज भैया, भाभी साहब बाहर सब गली वाले रंग खेल रहे हैं, बाबा साहब ने आपको बुलाया है। मोहित आ गया। वो तो अपनी टोली बनाकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं। आप दोनों जल्दी जल्दी आइए, मैं जा रहा हूँ। इसका मतलब मोहित टेंशन में नहीं है, शायद हम बेकार नहीं परेशान हो रहे थे। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।